यहाँ पे जरूर कुछ लफड़ा हो रहा है, चलिए देख के आते हैं। हेलो गाइस, हाय, मैं हूँ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। मैं आज जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो पहले भी मैं जा चुका हूँ मगर आज थोड़ा सा अलग टाइप का एडिट करेंगे। शायद उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आने वाला है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं वहाँ तक। यस गाइस, सो आज थोड़ा एडिटिंग मैं अलग से कर रहा हूँ, तो इसीलिए कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बोलिए, लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं एक ऐसी जगह में आया हूँ जिस जगह में ऑलरेडी मैं पहले आया था, तो आज फिर से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जरूर कुछ लफड़ा हो रहा है, चलिए देख के आते हैं। सोचा था हाथी है मगर हाथी नहीं लग रहा है हमको, शायद कोई बांस काट रहा है आई थिंक, क्योंकि वो जगह में जो वहाँ पे बांस है ना, बेम्बो है, वो हिल रहा था, साउंड आ रहा था, अद्भुत साउंड, जैसे लगता है कि हाथी ने बेम्बो तोड़ा है। हो सकता है, अभी अच्छी तरह से नज़र में भी नहीं आ रहा है। ये सब जगह तो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो भी आता है सबको अच्छा ही लगेगा, ज़रूर लगेगा। और यहाँ का ख़ास बात यही है कि यहाँ पे एक टी गार्डन है, बहुत बड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे तो बहुत बड़ा ही है मगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि असम में सबसे बड़ा टी गार्डन्स है। बहुत ही अच्छा है, आप लोग यहाँ पे आके वेकेशन, यहाँ पे एक रिज़ोर्ट भी खुला है मगर शायद अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई भी हो अच्छा लगता है। इसी रोड पे मुझे एक पत्थर भी दिख रहा है, तो मैं पहले भी यहाँ पे चढ़ा था और यहाँ पे फेसबुक लाइक भी किया था, तो अच्छा लगता है यहाँ से नज़ारा जो है आपको दिखाने के लिए मैं रुका था, तो चलिए मैं एक बार आपको लेके चलते हैं। यह है वो स्टोन, बहुत बड़ा एक पत्थर है, एक ही पत्थर है लगता है। जूता जो है वो बहुत स्लिप है, मस्त है भाई।
ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ेंगे, यहाँ से आपको मैं जो है नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? चलिए अभी उतरेंगे, चलिए। नीचे तो आ गया, मेरा जो घुटना है, नी है, बहुत पेन कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक चूहा का बच्चा है, अभी भी बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं। आपको मैं दिखा नहीं सक रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, कोई कोई बच्चे कुचल दिया गया हुआ है और बाकी एक दो ऐसे ही मर चुका है ऑलरेडी, यही सिर्फ एक बच्चा हुआ है। कसम से बहुत खराब लग रहा है। इसको क्या करूं, कहां रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे रख देता हूं। अगर इसका तकदीर है तो ये जिंदा रहेगा या फिर किसी का खाना बन जाएगा। I'm so sorry यार, extremely sorry। ये चूहा जिंदा रहेगा कि नहीं पता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और इससे ज़्यादा। वो आँख भी नहीं खुला है तो बहुत परेशानी होगा। Assam, the Greenland of India. You can see surrounding green. There have maximum numbers of field, which is filled up with grasses, mountain, trees, and many more. So you can enjoy the nature of the world. असम की राजधानी है दिसपुर, और दिसपुर के आस पड़ोस में अभी भी कोई कोई ऐसी जगह है, ऐसी रास्ते हैं जो सड़क अभी भी पक्की नहीं हुई है, जैसे कि ये, और थोड़ी ही दूर बाद जाके शायद मुझे मिल सकती है कि अच्छी सड़क, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे नया नया सड़क बन रहा है, पहले तो नहीं था। अभी मुझे लगता है कि रास्ता बहुत ही अच्छा हो चुका है, आगे जाके और भी अच्छा मिलेगा। फाइनली मैं अभी मेन हाईवे में पहुंच चुका हूं। मैं अभी जा रहा हूं गुवाहाटी सिटी की ओर। मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे जाके मैं क्या करूंगा। मैं 6 माइल पहुंच चुका हूं और आज स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। पहले भी ट्राई किया है, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ आपको दिखाया नहीं हूं। आज मैं 6 माइल का जो स्ट्रीट फूड है मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या खाते हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं दिया हूँ, भूख भी नहीं लग रहा है। चिकन रोल एक ऑर्डर किया था, अभी चिकन रोल ट्राई करके देखेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। बहुत टेस्टी है, वीडियो आज तक इतना ही करता हूँ। मैं खा लेता हूँ, अच्छा लगे तो क्या करना है आपको मालूम ही है, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय होम।
बाय बाय।